हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध जो 10वीं क्लास में है, सूरदास के लिए है। सूरदास का निबंध 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 इन सभी ईयर्स में आ चुका है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम सूरदास के निबंध को। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय, और उसमें लिखेंगे सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी, वैसाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिविश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लवाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री बल्लवाचार्य के पुत्र विठलदास विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास मृत्यु सन 1583 ईस्वी संवत 1640 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में हुआ। खंजन नैन रूप रसमाते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। उसके बाद हेडिंग डालेंगे कृतियां रचनाएं। महाकवि सूरदास की निम्नलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। नंबर 1 सूर सागर। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूर सागर के 1,25,000 पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरल वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ है। अगली कृति है सूर सारावली। इसमें 1107 पद हैं। यह सूरसागर का सार भाग है। अगली है साहित्य लहरी। इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वर्णन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। उसके बाद साहित्य में स्थान। भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य काश में सूर्य के समान ही है, इसलिए कहा गया है सूर सूर तुलसी ससे उडुगन के शबदास, अब के छवि खगोत सम जहते करत प्रकाश। तो इसी के साथ सूरदास जी का जीवन परिचय समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जीवन परिचय के साथ। धन्यवाद।